Hello students, today we will discuss about the topic Dobberiner triad. According to this scientist, in 1817, according to his law, when we arrange the elements in increasing order of their atomic mass, then we found the group of three elements known as triads, which have same chemical properties, and the atomic mass of the middle element is equal to the arithmetic mean of the other two elements. Dobberiner scientist था, उसने कहा था कि अगर आप elements को atomic mass के increasing order के according arrange करते हैं, तब थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप मिलेगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और उसे हम बोलते हैं ट्रायड. क्या बोला जाता है उसे? ट्रायड. फर्स्ट थिंग ये बोली गई. सेकंड थिंग उसने कहा अर्थमेटिक मीन एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. मिडल एलिमेंट क्या है? इस थ्री, ये आपका एक फर्स्ट ट्रायड है जो Dobberiner ने दिया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. और उसे सेकंड थिंग बोले कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, कि सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा? ये मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है? 23. अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट, लिथियम और पोटेशियम के अर्थमेटिक मीन जब हम फाइंड करते हैं, दैट इज द एटॉमिक मास 7+39/2, दैट इज द अर्थमेटिक मीन, दैट इज 46/223. ये किसका एटॉमिक मास आया हमारे पास? सोडियम का. क्लियर हुआ लोग? कि पहली बात उसने बोली कि थ्री एलिमेंट्स का क्या होगा? एक ग्रुप मिलेगा जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, सिमिलर होंगे, दैट इज नोन एज ट्रायड. और सेकंड थिंग उसने बोली कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के इक्वल आएगा. Dobberiner ने थ्री ट्रायड्स दिए थे. फर्स्ट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. सेकेंड इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बैरियम. एंड थर्ड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. क्लियर? लिमिटेशन ऑफ Dobberiner, सबसे मेन जो लिमिटेशन थी Dobberiner की उस टाइम पर जब Dobberiner का रूल आया था 1817 में, जितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी उसमें सिर्फ थ्री ट्रायड्स के ग्रुप ही वो दे पाया था, बाकी एलिमेंट्स में उसका रूल फॉलो नहीं करता था. और उसके फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कली मेटल ट्रायड. और इसको ट्रायड क्यों बोला? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. ये कौन से एलिमेंट्स हैं? एल्कली मेटल, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो थ्री एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन सिमिलर वे में करेंगे. सेम इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. और इसमें भी अगर आप एटॉमिक मास फाइंड करेंगे, स्ट्रॉन्टियम मिडल एलिमेंट है आपका, कैल्शियम और बैरियम इन दोनों के एलिमेंट का अगर आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो वो स्ट्रॉन्टियम के एटॉमिक मास के इक्वल आएगा. कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रॉन्टियम 88 एंड बैरियम इज 137. जब आप एटॉमिक मास फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन तो ये स्ट्रॉन्टियम के इक्वल आएगा आपका. और थर्ड ग्रुप इज हैलोजन ग्रुप. हैलोजन ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज होंगी इसकी भी, अल्कली मेटल्स ग्रुप होगी, इनकी सबकी वैलेंसी सेम होगी. इसकी वैलेंसी 1 आएगी, इसकी वैलेंसी आपकी 2 होगी सबकी, और इसकी वैलेंसी भी आपकी 1 आएगी. और एटॉमिक लास्ट चल इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होंगे आपके? 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 7. दैट मीन्स जो भी उसने थ्री ट्रायड्स दिए थे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है. और अर्थमेटिक मीन आपका जो आएगा एटॉमिक मास का, वो मिडल एटॉमिक मास के इक्वल आता है. थैंक यू.